गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। आखिर ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसका क्या इम्पॉर्टेंस है और कौन कौन से इक्विपमेंट को जो है इंस्ट्रूमेंटेशन पे लाया जाता है। तो गाइस, ये जो है एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो कि हर एक फ्राइडे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट मिलेगी। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब सीधे आते हैं टॉपिक पर कि आखिर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो गाइस, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें बेसिकली मेजरिंग इक्विपमेंट के ऊपर जो है बात किया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, जहां भी हमें मेजर करने के लिए किसी इक्विपमेंट को लगाना पड़ता है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में आती है। अब गाइस, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन का। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है जिसके वजह से ये इंस्ट्रूमेंटेशन को, यानी कि जो मेजरिंग डिवाइस यानी कि इक्विपमेंट्स है, वो जो है इंडस्ट्रीज में लगाई जाती है। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन प्रोसेस सिस्टम। यानी कि जैसे कि मैं अगर अपने प्लांट की बात करूं, तो मेरे प्लांट में सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है। अब गाइस, ये सीमेंट बनने का एक जो है प्रोसेस है, यानी कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके क्लिंकर तक का एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में बहुत से जगह में कहीं हमें टेम्परेचर कम चाहिए, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए RTD और थर्मोकपल को लगाया गया है। RTD एक लो टेम्परेचर डिटेक्टर इक्विपमेंट है, थर्मोकपल हाई टेम्परेचर डिटेक्टर इक्विपमेंट है। इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट्स का जो है इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तीसरा, मेरे इंडस्ट्रीज में सीमेंट का पैकिंग होता है। अब गाइस, हर एक सीमेंट का पैकेट में जो है 50 kg मिनिमम रहता है, तो उसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस का यूज़ किया गया है, जहां पर हम लोग उसके कंट्रोल सिस्टम में इंस्ट्रक्शन डालते हैं 50 kg का, और उसके बाद 50 kg का बोरी जो है पूरा फिलअप होकर के वो फिर से जो है बाहर निकल जाता है। तो ये सभी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आते हैं। अगर हम लोग इसे नहीं लगाते और मैनुअली अगर इस काम को करते हैं, सबसे पहला बात तो इसमें प्रोडक्टिविटी तो पूरा कम हो जाता, और लेबर्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता, जहाँ पर गैदरिंग भी हो सकता था। गाइस, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट्स के नाम बताता हूँ जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सबसे पहले तो RTD, थर्मोकपल, लेवल सेंसर, ट्रांसड्यूसर, वेव फीडर, ये सभी जो है कहीं ना कहीं मेजरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में। गाइस, ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एक एक इक्विपमेंट के बारे में पूरा डिटेल से जो है मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, पता चल सके इंस्ट्रूमेंटेशन के फैक्ट्स के बारे में। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।